ओके सो हम लोगों ने पेरिंग्स तक का लास्ट लेक्चर में कर लिया था। अब बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम लोग चलेंगे तो एनसीईआरटी इसमें थोड़ी सी दिक्कत क्या आ जाती है, ऑल्दो एनसीईआरटी इज अ वेरी गुड बुक नो डाउट, बट एक्चुअली में क्या होता है कि पेरिंग्स क्या है, फिर ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, मतलब बहुत कुछ जो है एस्केप होता है। अब एक्चुअल में जब हम लोग नीट की तैयारी करते हैं बोर्ड्स के हिसाब से दैट इज वेरी परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बट नीट के हिसाब से अगर हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे तो हमारे को आसान ज्यादा रहेगा कि कौन सी चीज कहाँ पर। मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको एक चीज खत्म करा दूं, उसके बाद उसके जो ग्लैंड्स वगैरह हैं जो उससे एसोसिएटेड हैं वो सारे ग्लैंड्स भी करा दूं, मतलब एक सीक्वेंस वाइज स्टडी होगी ताकि आप लोग चीजों को भूलेंगे नहीं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने माउथ में जहां से लेकर और पैरिंग्स तक की स्टडी कर ली थी। अब अगला पार्ट हमारा ईसोफेगस है नो डाउट, बट उससे पहले इस माउथ में कुछ ग्लैंड्स बनते हैं, खत्म कर लेते हैं माउथ को, पढ़ लेते पूरा माउथ को खत्म कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे फिर उसे खत्म करेंगे, एक पार्ट को खत्म करते हुए चलेंगे ताकि आपको जो उसके एंजाइम्स और ग्लैंड्स वगैरह हैं उन सब में कोई दिक्कत ना। राइट वेल आपके पास जो बेटा माउथ में जो आपका सलाइवा आता है उसमें एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, ये आपको पता है। सलाइवरी एमाइलेज को हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं। सलाइवरी एमाइलेज इज ऑल्सो नोन एज टाइलिन। सलाइवा का पीएच कुछ एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक 6.7 होता है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कुछ रूमिनेंट्स जैसे काउ, बफेलो और शी, इनके मुंह में जो सलाइवा होता है उसमें सलाइवरी एमाइलेज नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे पिग में होता है राइट, लेकिन ये जो हमारे पास सलाइवा आता है जनरली इसके ग्लैंड्स कौन कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो सलाइवा के हमारे पास जनरली तीन ग्लैंड्स होते हैं, थ्री सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, और ये तीन सलाइवरी ग्लैंड्स जो आपके पास है बेटा वो इस प्रकार है। सबसे पहला है पैरोटिड ग्लैंड्स, कौन सा बेटा, पैरोटिड ग्लैंड। जो आपका पैरोटिड ग्लैंड है बेटा अगर मैं इसकी बात करता हूं तो पैरोटिड ग्लैंड बीनीथ द चीक यहां पर कहीं पर प्रेजेंट रहता है, और ये आपके पास किसी डक्ट के थ्रू खुलते हैं सारे ग्लैंड्स, हाँ इस तरह सारे ग्लैंड्स कोई ना कोई डक्ट से ओपन होंगे बेटा, कुछ डक्टलेस भी होंगे, वो हम लोग जब आगे चैप्टर आएगा हार्मोन्स वाला उसमें बहुत अच्छे से सीखेंगे। राइट अभी के लिए आप याद करें कि जो आपका पैरोटिड ग्लैंड है ये किस डक्ट की मदद से खुलता है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पैरोटिड ग्लैंड इज रिलेटेड टू स्टेंसन्स डक्ट, कौन सा डक्ट होता है बेटा इसका, स्टेंसन्स डक्ट। इसके बाद आपके पास आता है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, चाहे आप सब मैक्सिलरी बोले या सब मैंडिबुलर, तो मैं यहां पर लिखता हूं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है अब हमारे पास एक्चुअली मैक्सिला और मैंडिबल अपर और लोअर जो हमारे पास जब हम लोग पढ़ेंगे तब आपके पास है स्केलेटन सिस्टम बहुत आराम से। ठीक है तो अभी आप बस ये ध्यान रखिए कि सब मैक्सिलरी ग्लैंड का जो डक्ट है वो हमारे पास कौन सा डक्ट होता है बेटा, वॉल्टन्स डक्ट, कौन सा डक्ट होता है बेटा, वॉल्टन्स डक्ट। ठीक है यस हाँ मतलब किसी उस पे ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर दिए हैं क्यों नहीं, कुछ साइंटिस्ट थे उनके हिसाब से और ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं, बाकी तो जिन्होंने डिस्कवरी करी और अपने हिसाब से रख दिए गए और हमें याद करने पड़ेंगे क्योंकि हमें नीट का एग्जाम देना और इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछे। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास आता है वो आता है सब लिंगुअल ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड होती है तीसरी हमारे पास माउथ में, सब लिंगुअल ग्लैंड। बेटा सब लिंगुअल ग्लैंड हमारे पास होती है डक्ट ऑफ रेविनस, किससे होती है, डक्ट ऑफ रेविनस, इसको हम लोग बैरोथिन्स ग्लैंड भी बोलते हैं, बार्थोलिन्स ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड। ठीक है तो डक्ट ऑफ रेविनस से इनमें से पैरोटिड ग्लैंड बेटा हमारे पास सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड पाई जाती है, और जो हमारे पास डक्ट ऑफ रेविनस जो सबलिंगुअल ग्लैंड है ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाई जाती है। अब जो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड होती है अगर मैं उसकी बात करूंगा बेटा तो पैरोटिड ग्लैंड कंटेन्स सेरस सेल, एस ई आर ओ यू एस, सेरस सेल्स। लेकिन जो हमारे पास सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड होते हैं उसमें हमारे पास सेरस सेल नहीं होते,
उसमें हमारे पास कौन सेल्स होते हैं? म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स हमारे पास इन दोनों में पाए जाते हैं, दे बोथ कंटेन्स म्यूकस सेल्स। तो यहां पर हमारे पास माउथ, उसका स्ट्रक्चर, उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं और अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अगले पार्ट पर, जहां पर हमारा क्या आने वाला है बेटा, फूड पाइप या ईसोफेगस। अब देखो बेटा, एलिमेंट्री कैनाल के ईसोफेगस से लेकर और रेक्टम या एनस पोर्शन तक अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास इसमें एक स्ट्रक्चर पूरे पार्ट में कॉमन है और वो हम लोग पढ़ेंगे अंडर द हिस्टोलॉजी पोर्शन। तो जो आपके पास अगला आने वाला है टॉपिक वो है हिस्टोलॉजी ऑफ द गट, यानी कि पूरी ईसोफेगस से लेकर और आपके एनस पोर्शन तक आपकी एक हिस्टोलॉजी जो पूरे एलिमेंट्री कैनाल के दौरान कॉमन रहने वाली है वो हम लोग यहाँ पर अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए हिस्टोलॉजी। ओके, हिस्टोलॉजी को पढ़ते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में भी आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए बेटा, जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम लोग पेरिटोनियम भी बोलते हैं उसको बताया गया है सेरोसा। सेरोसा मीजोथीलियम सेल्स या लूजली कनेक्टेड एपिथीलियम सेल्स होता है। इसमें बहुत हल्के हल्के सेल्स होते हैं, ज्यादा भारी कोई चीज हमारे पास होती नहीं है। दिस फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द गट। सेरोसा आपके पास आउटर मोस्ट लेयर। सेरोसा के बाद बेटा आपके पास जो लेयर आती है वो आती है आपके पास मस्कुलरिस। मस्कुलरिस दो पार्ट में आपके पास डिवाइड हो जाती है। आउटर आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल होती है, ये आपको जो दिख रही है आउटर वाली लेयर बाहर वाली, और जो इनर जो आपको डेंसेस्ट वाली दिख रही है सर्कुलर। हालांकि आपको देखने में लग रहा होगा कि सर बाहर सर्कुलर लग रहा है और अंदर लॉन्गिट्यूडिनल लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। एक्चुअली जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो लॉन्गिट्यूडिनल रहती है और जो अंदर वाली स्ट्रक्चर रहते हैं वो सर्कुलर पार्ट बनाती है। अंदर आप देखो दो तीन आपको राउंड दिखा देंगे वहां पे कि सर्कुलर जो है आपके पास सर्कुलर पार्ट बना रहे हैं, बट ये एक ही उसका है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल हमारे पास रहता है। तो मस्कुलरिस में हमारे पास इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल रहते हैं। बेटा ध्यान रहे, यहाँ पर स्टमक आपके पास एक ऐसा ऑर्गन होता है जहां पर मस्कुलरिस में इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल इसके अलावा कुछ ऑब्लिक मसल्स भी पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपका ऑब्लिक मसल कहाँ पे मिलती हैं? तो आपको पता होना चाहिए मस्कुलरिस रीजन ऑफ स्टमक सिर्फ स्टमक के अंदर ही पाई जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों से ये चीज पूछ लिया जाता है कि इसका अरेंजमेंट क्या होगा, तो अरेंजमेंट इसी तरीके से बाहर वाली आउटर, फिर इनर और सबसे अंदर वाली फिर ऑब्लिक मसल जाएगी यहाँ पर। इसके बाद आपके पास बिटवीन इनर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल बेटा एक और आपके पास स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं मायेंट्रिक प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? मायेंट्रिक प्लेक्सस और प्लेक्सस ऑफ ऑर्बेक। प्लेक्सस ऑफ ऑर्बेक बेसिकली ये आपके पैरासिंपैथेटिक एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक क्या है ये सब आप लोगों को जब हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे वहां पर आराम से समझ में आ जाए। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि मायेंट्रिक प्लेक्सस कहाँ पे होता है, इसका काम क्या है। तो मायेंट्रिक प्लेक्सस इज प्रेजेंट इन द मस्कुलरिस रीजन बिटवीन द इनर सर्कुलर एंड द आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल एंड मोर ओवर इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेक्सस ऑफ ऑर्बिट एंड इट इज अंडर पैरासिंपैथेटिक कंट्रोल। ठीक है, यहां से अगर आप लोग अंदर चलते हैं तो लूज कनेक्टिव टिश्यू भी आपके पास एक लेयर आती है जिसका नाम है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा हमारे पास ये और अंदर की लेयर बन जाती है और कुछ ऑर्गेनिज्म या इवन ह्यूमन बीइंग्स के ड्यूडनम के अंदर। ड्यूडनम आपको मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इस ड्यूडनम में हमारे पास सब म्यूकोसा होता है इंटेस्टाइन के अंदर। मैंने आपको बताया कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल में ईसोफेगस से लेकर और एनस तक सब जगह हमारे पास ये स्ट्रक्चर पाया जाने वाला है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग पहुंचेंगे और क्या देखेंगे, उसकी सब म्यूकोसा वाली लेयर,
यानी कि उसकी हिस्टोलॉजी हम लोग देखेंगे, तो हम लोग पाएंगे कि उसकी सब म्यूकोसा के लेयर में हमारे पास कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो द सब म्यूकोसा रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स, नोट कीजिए इतना। अब बेटा इसके बाद सब म्यूकोसा का, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या था, माइंट्री प्लेक्सस था, यहाँ पर सब म्यूकोसा में और इनर सर्कुलर वाले के बीच में हमारे पास जिस तरीके से माइंट्री प्लेक्सस रहता है, यहाँ पे कौन सा प्लेक्सस रहता है, मीजनर प्लेक्सस, कौन सा रहता है, मीजनर प्लेक्सस। अब इस मीजनर प्लेक्सस का काम क्या है, इट कंट्रोल्स डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो आपको इनकी पोजीशन पता रहनी चाहिए कि कौन सी पोजीशन कहाँ पर रहती है। अब और अंदर जाएंगे तो हमारे पास सब म्यूकोसा के बाद क्या आ जाएगा बेटा, म्यूकोसा आ जाएगा विच इज सराउंडिंग द नैरो ल्यूमन। ल्यूमन को जो हमारे पास सराउंड कर रहा है कौन सी लेयर है बेटा, म्यूकोसा। म्यूकोसा की बात करते हैं तो बेटा जो हमारे पास इट इज द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन। अब जो आपके म्यूकोसा है, अगर हम लोग एम्प्टी स्टमक की बात करते हैं तो एम्प्टी स्टमक में म्यूकोसा के अंदर कुछ र्यूगे पाए जाते हैं। र्यूगे मैं आपको बताया था फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, तो स्टमक के अंदर जो आपका म्यूकोसा है उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्टमक में र्यूगे प्रेजेंट रहते हैं, और ये तभी प्रेजेंट रहते हैं जब आपका पेट थोड़ा सा भूखा रहता है, ऐसा नहीं कि हर टाइम रहते हैं, एम्प्टी स्टमक में जनरली ये पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद यही चीज जब आप आगे बढ़ेंगे म्यूकोसा के रीजन स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसल रीजन है उसमें आपको क्या मिलेंगे, विलाई। क्या मिलेंगे बेटा, विलाई मिलेंगे, और विलाई की सरफेस पर कुछ माइक्रोसेलर स्ट्रक्चर रहते हैं और उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोविलाई। अब ये जो माइक्रोविलाई होते हैं जो कि इस विलाई के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, इनका काम क्या होता है बेटा, कि दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। यही चीज तो आप बचपन से पढ़ते हुए आते हो कि विलाई का काम क्या है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, बट इसके अलावा एक्चुअली विलाई का नहीं है, माइक्रो विलाई का फंक्शन रहता है। अच्छा, विलाईज दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ये आपको पता होना चाहिए, और इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन विलाईज में कुछ लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं जिनको आप लैक्टील्स बोलते हो, जहां पे लिम्फ वगैरह का जो फ्लूइड रहता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करना आसानी हो जाता है इन केस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ये चीज जानना जरूरी है कि जो हमारे पास म्यूकोसा की लेयर है इसमें इट सीक्रेट्स डिफरेंट ग्लैंड्स, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें सेल रहते हैं वो हमारे पास गॉबलेट सेल्स रहते हैं। कौन से सेल्स रहते हैं बेटा, गॉबलेट सेल्स। इसके अंदर पाए जाते हैं हमारे पास म्यूकोसा के अंदर। गॉबलेट सेल का काम क्या होता है बेटा, इट हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। तो गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करता है बेटा, आपका म्यूकस सिक्रीट करता है, और ये जो म्यूकस का सिक्रीशन है किस लेयर से पाया जाता है, हमारे पास म्यूकोसल लेयर से पाया जाता है। इसके अलावा म्यूकोसा में कुछ हमारे पास फोल्ड्स भी पाए जाते हैं, और उन फोल्ड्स को या उन वॉल्स को हम लोग बोल देते हैं वॉल्स ऑफ क्रैक रिंग। ठीक है, ये हमारे पास आप लोगों को पूछा गया है कि वॉल्स ऑफ क्रैक रिंग जो है हमारे पास वो किस में पाए जाते हैं, तो इट इज फाउंड इनसाइड द म्यूकोसल लेयर ऑफ द गट। ठीक है, तो हमने चार लेयर पढ़ी हमने अपनी एलिमेंट्री के नाम में। सबसे बाहर पेरिटोनियम लेयर हमारे पास किसकी होती है, सेरोसा। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी बेटा, हमने मस्कुलरिस। मस्कुलरिस के दो फोल्ड आते हैं, आउटर सर्कुलर इनर लॉन्गिट्यूडिनल, और उन दोनों के बीच में एक माइंट्री प्लेक्सस होता है जो कि पैरासिम्पैथेटिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। पैरासिम्पैथेटिक मूवमेंट को कंट्रोल करने के अलावा आप लोगों को एक चीज और बता, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो भी हमारे पास इसी से ही होता है, पेरिस्टाल्टिस जिसकी वजह से खाना आपका आगे पीछे जाता है। ठीक है, वो भी हमारे पास इसी की वजह से ही हो पाता है। उसके बाद हम लोग आगे गए अपने सब म्यूकोसा में, वहां पे हमने कहा माइजनर प्लेक्सस होता है जो कि डिफरेंट ग्लैंड्स से एसोसिएट रहता है, और जो हमारे पास सब म्यूकोसा ड्यूओडेनम के अंदर होता है उसमें कुछ ग्लैंड्स सीक्रेट करता है। वो ग्लैंड्स कौन से होंगे हम लोग आगे देखेंगे। फिर आगे गए हम लोग म्यूकोसा पे, जो स्टमक में म्यूकोसा होता है वहां पर हम लोगों ने देखा किस तरीके से उसमें क्या रहते हैं, कुछ र्यूगे रहते हैं,
और इसके बाद आप लोगों को बताया गया कि जो विलाई के अंदर ये चीज होंगे हमारे पास, उसमें क्या होंगे, दे विल कंटेन माइक्रोविलाई, और आगे आपको उसने बता दिया कि उसने म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स या गॉबलेट सेल्स इसमें मौजूद रहते हैं। इसके अलावा बेटा म्यूकोसा आपके पास कुछ ग्लैंड्स की सिक्रीशन में यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक उसमें हेल्प करता है, और ये तो स्टमक के लिए हो गया, प्लस विलाई के लिए भी वो काम करता है। विलाई के लिए क्या काम करता है, एक्चुअली इन बिटवीन द विलाई वो कुछ क्रिप्स सिक्रीट करता है। क्या बना सिक्रीट क्या बनाता है, बेसिकली कुछ क्रिप्स बनाता है, और उन क्रिप्स को हम लोग बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर ग्रोथ, क्रिप्स ऑफ लिवर ग्रोथ। तो बेटा ये जो हमारे पास है ये कौन कर रहा है, म्यूकोसा लेयर। कहां पे कर रहा है, इंटेस्टाइन में, इन बिटवीन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन म्यूकोसा सिक्रीट्स सिंथेसाइज सम क्रिप्स व्हिच आर कॉल्ड क्रिप्स ऑफ लिवर बोन। और स्टमक के अंदर क्या काम करता है, कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि म्यूकोसा हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक। तो यहाँ पर हमारे पास हिस्टोलॉजी खत्म हो जाती है, और अब हम लोग आते हैं ईसोफेगस के पार्ट पर। बेटा ईसोफेगस की अगर बात करता हूँ तो ईसोफेगस से पहले, अच्छा यहाँ पर हाँ ये चीज और एक बार इम्पोर्टेंट याद कर लीजिए कि आपके पास एक वायरल इन्फेक्शन होता है, कहते हैं मम्स, जिसमें आपके पास ये थोड़ा थोड़ा सूज जाता है, राइट। मम्स हमारे पास एक वायरल इन्फेक्शन है, और वो किस ग्लैंड को अफेक्ट करता है, तो आप याद रखना पैरोटिड ग्लैंड को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो मम्स इज ड्यू टू द पैरोटिड ग्लैंड, और इसी में इन्फेक्शन की वजह से आपके पास यहाँ थोड़ा सूज जाता है, आपको काफी पेनफुल भी होता है। इट इज द वायरल इन्फेक्शन, जो आपके पास बीमारी है उसका नाम है मम्स। अब आप लोगों के ईसोफेगस की बारी आती है। बेटा मम्स हमारे पास ड्यू टू इन्फेक्शन इन पैरोटिड ग्लैंड से, जब हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्ट हो जाते हैं तो वायरल जो अटैक होता है वो हमारे पास इस ग्लैंड पे होता है, तब हमें बीमारी, ठीक है। अच्छा अब जब हम लोग ईसोफेगल रीजन को पढ़ने जा रहे हैं तो आपके पास ये पता होना चाहिए कि ईसोफेगस हमारे पास किस तरीके से काम करता है। बेटा ईसोफेगस में सबसे पहली बात तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कोई डाइजेशन होता है, तो याद रखना नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, और ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस जो ऊपर से हमारा पोर्शन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गलट, वहां पे ग्लॉटिस होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, गलट, GULLET, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास ईसोफेगस यानी हमारा जो फूड पाइप होता है, इसमें भी अगर मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ तो बेटा ये आपको पता रहना चाहिए कि जो अपर वाला पोर्शन है एक ये मिडिल वाला पोर्शन और एक ये लोअर पोर्शन। तो इसमें जो अपर वाला पोर्शन होता है इसमें 1/3 पार्ट स्केलेटल मसल से बना होता है। किसका बना होता है बेटा आपके पास, स्केलेटल मसल का। और जो इसके नीचे ये वाला पोर्शन है आप इसे छोड़ दो अभी के लिए, और इससे नीचे यानी कि ये वाला 1/3 आपका किससे बना हुआ है, स्केलेटल से। ये वाला जो मसल है बेटा ये आपके कंट्रोल में नहीं है, और ये आपके पास जाती है स्मूथ मसल वाले केस में। और इसके बाद जो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आता है जो बीच का 1/3 होता है, इसमें स्केलेटल भी होती है और स्मूथ मसल दोनों पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ईसोफेगस पहुंच जाता है, और अब ईसोफेगस हमारे पास किसमें पहुंचने वाला है, स्टमक के अंदर पहुंचने वाला है। अब जब आप लोगों के पास ईसोफेगस स्टमक में पहुंचता है तो आपको पता होना चाहिए कि स्टमक एक वाइड सी शेप ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो आपका ईसोफेगस यहाँ पर खुलता है, एक्चुअल में खुलने के बाद यहाँ पर एक स्पिंक्टर होता है। स्पिंक्टर क्या काम करता है, तो बेटा ये मैंने आपको पहले बताया था कि स्पिंक्टर बैक फ्लो को रोकता है, कोई भी चीज बैक फ्लो में ना जाए इसके लिए स्पिंक्टर हमारे पास आता है। अब इस स्पिंक्टर को हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्पिंक्टर, क्यों, क्योंकि इस जो हमारा स्टमक है इसका ये वाला पार्ट होता है बेटा हमारे पास फंडस, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो आता है ये आता है कार्डियक पार्ट, ठीक है, और कार्डियक के बाद नीचे आता है हमारे पास पाइलोरिक रीजन, ये वाला रीजन हमारे पास क्या आता है, पाइलोरिक रीजन, ठीक है, बहुत ज्यादा मैसी हो रहा है मैं रब कर रहा हूं, तो ये आपके पास आता है बेटा पाइलोरिक रीजन। अब यहां से आप लोगों ने खोल लिया है, अब देखो ये जो ईसोफेगस आता है फंडस में नहीं जाता बेटा, एक्चुअल में सीधा कार्डियक में आके मिलता है,
फंडस थोड़ा सा ऊपर था, डायग्राम अगर एनसीईआरटी का देखना बहुत अच्छा है, मेरा डायग्राम आपको पता ही है कितने अच्छे बनते हैं, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। तो बस आप कॉन्सेप्ट समझा दूं मैं बेटा, एक्चुअल में क्या है कि जो कार्डियक पोर्शन में खुलता है ना ये आकर, इसलिए इस स्फिंक्टर का नाम हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर क्या देते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। और इसके बाद जब ये पाइलोरिक वाला हमारे पास जाएगा तो ये हमारे पास कहां खुलेगा आगे जाके, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक्चुअल में यहां पर भी एक स्फिंक्टर रहेगा और इस स्फिंक्टर का नाम क्या रहेगा हमारे पास, पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या रहेगा बेटा हमारे पास स्फिंक्टर का नाम, पाइलोरिक स्फिंक्टर रहने वाला है। अच्छा अब ये जब यहाँ से यहाँ पर आता है तो बेटा खाना जो स्टोर होता है वो फंडस रीजन में होता है, ठीक है। अब इसकी भी वॉल्स वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया, चार लेयर का, तो इसमें भी कॉमन है, कौन सी, सेरोसा, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, अंदर में ह्यूमन नैरो होता है, ठीक है। और एक कौन सी आएगी, मस्कुलरिस, ठीक है, वो आपको लेयर वाइज याद रखनी है, आउटर वाली सेरोसा, फिर मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो चीज याद रखनी है वो ये रहता है कि जो हमारा खाना स्टोर रहता है वो किसमें रहता है बेटा, फंडस रीजन में रहता है। जनरली आपके पास तीन टाइप के खाने होते हैं जो आप खाते हैं, एक जब आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेते हो, दूसरा जब आप प्रोटीन रिच फूड लेते हो, और तीसरा जब आप घी मक्खन से लेस फूड लेते हो। जो पहला वाला पोर्शन है वो ठीक रहता है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेना चाहिए और वो पेट में 2 से 3 घंटे तक आपके पेट में रहता है और आसानी से डाइजेस्ट होने के बाद आपको फिर दोबारा से भूख लगने लगती है अगर आप तरीके से खाना खाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास रीजन कहाँ पे रहता है स्टोर रहने का, वो पूरा फंडस रीजन। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है वो कितने घंटे रहता है, 2 से 3 घंटे तक आपके पेट में रहता है। अब क्या होता है भैया, धीरे धीरे आपके पास खाना जो है नीचे जाने लगता है। अब वो नीचे जाने से पहले ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाओ, हो सकता है आपने प्रोटीन रिच डाइट ली हो, तो प्रोटीन रिच डाइट आपके पेट में 3 से 4 घंटे रहती है, ठीक है। इसलिए जो भी स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं उनको टाइम टाइम पे प्रोटीन वगैरह के लिए बोला जाता है, लेकिन टाइम थोड़ा ठीक चले डाइजेस्ट हो कर सके अच्छे से। लेकिन सबसे अच्छे और हमारे तोंदू वाले भैया लोग जो कि हमें ओबेसिटी कैटेगरी में नजर आ जाते हैं कई आराम से, उनकी दिक्कत क्या होती है कि उनका खाना पेट में बहुत ज्यादा देर तक रुक जाता है। और वो क्यों रुकता है, क्योंकि वो फैट वाले होते हैं, ना प्रोटीन ना कार्बोहाइड्रेट, वो फैट वाले होते हैं और फैट वाला खाना हमारे स्टमक के अंदर 4 से 6 घंटे तक रुक जाता है। इसीलिए अगर आपने एक बार तला भुना अच्छे से खा लिया पूरा ऑयली वाला हैवी डोज अगर मॉर्निंग में ले ली तो बेटा गाली दे रहे हो हैं तो हैवी डोज अगर आप लेते हो तो आपको 4 से 6 घंटे तक आपको भूख नहीं लगती है, ये चीज आपके पास आती है। अच्छा इसके बाद ह्यूमन के स्टमक को करने से पहले एक छोटा सा पोर्शन में पहले आप लोगों को रूमिनेंट्स जो होते हैं, यानी कि हमारे गाय भैंस जो होते हैं उनका केस समझा देता हूँ, क्योंकि वो छोटा सा है और ये तो काफी लंबा है। एक्चुअल में जो एनिमल या रूमिनेंट का स्टमक होता है उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। सबसे पहला आता है रूमन, बेटा रूमन लार्जेस्ट चैम्बर होता है और ये फूड को स्टोर करता है। इसके बाद कुछ एनिमल्स में ओमेसम एब्सेंट होता है, एग्जाम्पल के तौर पर कैमल और डियर, इसमें वाटर सेल्स जो आते हैं वो रूमेन से ही आते हैं। ओमेसम के बाद आपके पास आता है एबोमेसम, बेटा ये जो एबोमेसम है, एबोमेसम ये आपका ट्रू स्टमक होता है और इसी ट्रू स्टमक से बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करे जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में भी करेंगे गैस्ट्रिक जूस, तो एनिमल्स या रूमिनेंट्स के अंदर वो कौन सिक्रीट करता है, एबोमेसम। और लास्ट पार्ट हो गया आपके पास रेटिक्यूलम, बेटा ये जो रेटिक्यूलम है अलोंग विद द रूमन ये हमारे पास रूमिनोकोकस बैक्टीरिया और बाकी ऐसे एंजाइम जैसे सेलुलेज हो गया उनका घर होता है। सेलुलेज एंजाइम क्या काम करता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम चाहिए होता है। यही कारण है कि अगर हम लोग खाते हैं तो हम तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि हमारे पास ना तो ये कंपाउंड है, सॉरी ना तो ऐसा पेट है और ना ही हमारे पास सेलुलेज एंजाइम। अगर सेलुलेज एंजाइम हमारे पास होता तो आप डायरेक्ट पत्तियां खा सकते थे और वो आपका डाइजेस्ट करा देते, बट आपके पास ऐसा है नहीं तो अब आप लोग डाइजेस्ट नहीं करते। इनके जो अलग अलग
नाम आपको देखने को मिल जाएंगे वो आपके हैं, इसको पॉन्च बोलते हैं, ओमेशम को साल्टेरियम बोल देते हैं, और इसको हम लोग रेनेट बोल देते हैं, और ये हमारे पास हनीकॉम भी आ जाता है कई जगह पर देखने को। तो ये आपको इसमें पता होना चाहिए। जनरली आप लोगों से एनिमल के स्टमक मेजरली ल्यूमिनेट्स के जो घास खाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में इतना ही सवाल पूछा जाता है, और इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है। वापस हम लोग बढ़ते हैं अपने ह्यूमन के स्टमक पर। आई होप इतना एनफ है। ह्यूमन का स्टमक हम लोग जो है अगली क्लास से कर लेंगे, इसके आगे वाला पोर्शन। यहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप पूछ लीजिए, और कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं।